क्यों बैठे हुए हैं और सात बजे पूरे अपराधियों को पकड़ा जाए। वीरू और मैं दोनों इसी में निकाले गदर टू, तो उसमें था एक रोल था पठान लोग का, तो क्या तो नाम है उसका, एक जन का चारा लोग दिखाई दे लेकर हर बड़ी में चार आदमी को दिखाया जाए और जितने आ रहे। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम। रात के 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बजे अभी हम दुर्ग जिले के कुर्सी पार थाने के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी एक अलग अंदाज में यहाँ पे रात के 12:30 बजे अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी, आप देख सकते हैं ये चौकी यहाँ लगी हुई है थाने के सामने, और अपने समर्थकों के साथ जो है कि यहाँ पे रात बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं और क्या कुछ इनके इनकी मांगे हैं, किस सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे बैठे हुए, ये हम इन्हीं से बात करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जी, क्यों बैठे हैं रात को आप यहाँ? कल शाम को 7:30 मलकीत सिंह की 7-8 लोगों ने गदर टू पिक्चर देखने के कारण मार दिया, उनकी मौत हो गई। पूरे अपराधियों को पकड़ा जाए, उनके पिताजी की मांग है कि उनके साथ न्याय हो, अपराधियों को सजा मिले, कोई भी ना बचे। दूसरा, उस मलकीत सिंह के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल 2 साल के, और उनकी विधवा को शासकीय नौकरी मिले। तीसरा, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और सब जगह जाके 50 लाख रुपया मृतक परिवारों को मुआवजा देते हैं, तो उन्हें भी मिले। ये मलकीत के पिताजी की मांग है, उनके परिवार की मांग है। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी लड़ाई में अपना साथ दे रहे हैं। सिख पंचायत दे रही है और सिख पंचायत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर नहीं माना जाएगा तो आने वाले कल छोड़ के परसों प्रदेश बंद का उन्होंने सिख पंचायत ने दिया। भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ खड़ी है। जी, यहाँ एडिशनल एसपी से बात किया हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। 3 से 4 की गिरफ्तारी बता रहे हैं, और जबकि शायद जितना लोग बता रहे हैं 7 से 8 लोग, तो बाकी कहाँ हैं? ये भी एक प्रश्न है कि सवेरे लोगों ने चक्का जाम किया, थाने में प्रदर्शन किया, सब करने के बाद शाम 7 बजे तक जो है FIR, और रात्रि भी यहाँ पे अभी रुका हुआ है, और सबकी जो मांग है उस मांग के साथ पूरे भिलाई में जो लगातार इस तरीके का माहौल बना हुआ है, लोग सरेआम शराब पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कई हत्याएं हो चुकी, लूट मार, और उसी के कारण सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग और राजनेता, उनसे जुड़े हुए लोगों का अपराधियों को जो संरक्षण मिलता है उससे इतना बड़ा हौसला बना है। लोग तो बताते हैं कि उन लोग मारते हुए वीडियो भी बनाए, अगर वीडियो बनाए हैं तो पुलिस को वीडियो भी रिकवर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो मोबाइल उनके कहाँ है, उस मोबाइल से कौन सी चीज़ डिलीट हुई है, क्या हुई है, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। अभी तक पब्लिकली उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनके मोबाइल फ़ोन मिले, उसमें से उन्होंने साइबर एक्सपर्ट और उससे निकाल करके, क्योंकि आजकल तो बहुत दिन पहले का भी अगर डिलीट किया हुआ है तो उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी निकाल सकते हैं। तो जनता के सामने और परिजनों के सामने उनको सारी बातें स्पष्ट करती है। 12:30 रात हो गए हैं, हजारों समर्थक आपके साथ अभी भी यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है अगर कि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किस तरह का रूप लेगा? मैंने कहा है कि हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हम
लोग बैठे ही रहेंगे। सिख के पंचायत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, परसों छत्तीसगढ़ बंद का उन्होंने आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी बंद रखेगी और उसके बावजूद परिवार जैसा चाहेगा, परिवार जब तक चाहेगा जो लड़ाई लड़ेगा हम लोग उसके साथ। जी बिल्कुल, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी थे। हालांकि इस तरह का ये जो प्रदर्शन है और इस तरह का जो ये टेंट लगाकर, हालांकि ये इतिहास में पहली बार है कि कोई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और यहां पर इतनी रात को आकर ये चौकियां लगाकर हजारों समर्थक के साथ यहां पे बैठे हुए हैं। एक ऐसे परिवार को न्याय दिलाने की मांग ये कर रहे हैं जिस पर जो परिवार अभी मातम के दौर से जो है कि गुजर रहा है। सुबह से लोग इनके समर्थक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांगे कर रहे हैं। हालांकि ये तो इनका अधिकार है, इनका विधानसभा क्षेत्र है, इनका जो है कि ये करना लाजमी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि ये जिस थाना क्षेत्र का मामला है, इस थाने क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है कि HM गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी निवासरत है, यहाँ PHE मंत्री रहते हैं जो है कि, लेकिन अभी तक क्या उन जवाबदारों ने इस चीजों को लेकर क्या अपडेट लिया है और क्या अपडेट जो है कि सामने आने वाला है, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जी अपना नाम और परिचय बताएंगे भाई साहब। मेरा नाम सर ओम कुमार उफंटू है। वीरू और मैं दोनों हम लोग हैं पारोस, पारोस से क्वार्टर लिए ATI ग्राउंड है जो वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग पीड़े थे, उतने में वीरू ने मोबाइल निकाला, वो गदर टू पिक्चर चल रही थी, तो उसी में निकाले गदर टू, तो उसमें था एक रोल था पठान लोग का, तो उसी में वीरू ने बोल दिया, वीरू ने उसको बोला ये सरदार लोग पठानों को मारते हैं, को मारना चालू कर दिया। उसके बाद मेरे को 3-4 यहाँ पर मारे, फिर मेरे को घुटने के बल में बैठा दिए, वीरू को लाती लात मुक्का मुक्का मारने लग गया। उसके बाद वीरू बचाओ बचाओ वंटू बचा ले वंटू बचा ले, लेकिन ये सब बोले तो अगर उठेगा तो तेरा गर्दन काट देंगे, तो चुपचाप घुटने के बल में बैठे रहे। चाबी दिए इन लोग और मोबाइल दिए, उसके दो जन बोले कि भाई अब तुम लोग जाओ, ज्यादा चिल्लाए। कितने लोग? कितने लोग? वो लोग 8 जन थे सर। 8 जन जी। पहचानते हैं आप? हाँ, चेहरे से सबको जानता हूँ। चेहरे से? नाम से नहीं जानता? नहीं, नाम से नहीं जानता, उनको हम जानते ही नहीं थे, वो कौन है हमको। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग आ गए, विक्की पाजी को फोन लगाए, बोले विक्की पाजी ऐसी ऐसी बात हो गई, तो विक्की पाजी तुरंत आया। उसके बाद वीरू को लेके हम लोग अस्पताल गए, अस्पताल के बाद फिर छोड़ के हम लोग फिर वहीं घटना स्थल पहुंचे, तो विक्की पाजी गए एक्टिवा लेके आगे, मैंने पाजी मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को चाकू को मार देंगे, धमकी दिए। उसके बाद विक्की पाजी गया, विक्की पाजी जाने के बाद फिर विक्की पाजी पता नहीं क्या बैसा बसी, फिर मैं पैदा पैदा लगे अस्पताल, जब तक वीरू को ले चुके पारस ले गए थे। उसके बाद सब घटना के बाद सुबह मेरे को पता चला कि वीरू खत्म हो गया। उसके बाद आए इधर मेरे को डग्गा में बैठाए, उसके बाद वो सर थे एक, वो बोलते हैं हिंदू और मुसलमान में भोसड़ी के लड़वा रहे, गदर पिक्चर में थोड़ी झगड़ा उगड़ा होगा, हैं तू बोल रहा जी। TI दुर्गेश शर्मा, ये है उनका फोटो, यही बोल रहे थे हिंदू मुसलमान में तू दंगा करा गया और गाली दी, उनको बोलते गदर पिक्चर में थोड़ी कोई झगड़ा उगड़ा होता है। और क्या कह रहे थे? बस इतने बोले सर, उसके बाद मुजरिम मिला तो बस सबको फिर पकड़ते गए। क्या तो नाम है उसका, एक जन का चारा लोग दिखाई दे, लेकिन बड़ी में 4 आदमी को दिखाई दे, और जितने आरोपी के दिखाए थे सिंगल सिंगल दिखाए थे, और जो आरोपी जो अभी फरार है मिला नहीं है उसको 4 के बीच में दिखाए। और मैं इतना परेशान हो चुका था, सबसे मेरा दिमाग काम ही करना बंद हो गया था, तो इसीलिए मैं कल पहचान नहीं पाया। और वो जो लास्ट में लात मारा था, काली शर्ट पहना था, सफेद गमछा था। क्या नाम था उनका? उनका नाम तो सर नहीं मालूम, चेहरे से जानता हूँ, और जो कि चेहरा सबको बताया मीडिया में भी सुबह बताया हूँ मैं। पहचान करवाई जाए तो आप पहचान लोगे? जी जी, मैं तुरंत पहचान सबको पहचान लूंगा।